अस्सलाम वालेकुम इरफान खान बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल के चाहने वालों, वंस अगेन इस चैनल के अंदर आप लोगों को इरफान खान खुशामदीद कहता है। एक नई वीडियो, एक नई आगाज़ और एक नई ज़बरदस्त वीड के साथ मुलाहिजा कर रहे हैं इरफान खान बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल। चाहने वालों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस चैनल के अंदर हम ना सिर्फ मुर्गियों के वीडियो अपलोड करते हैं, ना कोई स्पेसिफाइड बर्ड्स की वीडियो, बल्कि इसके अंदर दुनिया में जितनी भी वैरायटीज़ के बर्ड्स हैं, कोशिश करते हैं कि उसके वीडियोस अपलोड करें, और हमने की भी है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा, इसमें इंटरनेशनल बर्ड्स भी है, नेशनल बर्ड्स भी है, तो काइंडली आप उस वीडियोस को देख ले, बहुत मज़ा आएगा। यकीन मानिए, इंटरनेशनल बर्ड्स और हमारे लोकल बर्ड्स की कंपैरिजन आउटस्टैंडिंग है। गाइस, इस वक्त जो शरीक करने जा रहा हूँ, ये लोकल असील मुर्गा नहीं है, बल्कि ये एक लोकल मुर्गा है, वैसे फार्मी मुर्गा है, लेकिन लुक वाइज ये बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि असील मुर्गों और जो लोकल मुर्गे हैं उसके अंदर आप लोगों को फ़र्क समझाओ। ये देसी है, ओरिजिनल नहीं है, तो इसी वजह से मैं ज़रूरी समझता था फ़र्क। तो चलिए आप लोगों को फ़र्क समझाता हूँ। गाइस, ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये लोकल मुर्गा है। लोकल मुर्गे को लोग उतना भाव नहीं देते, उसका मेन वजह क्या है, या ये उतने कीमती क्यों नहीं होते, ये इतने बहादुर क्यों नहीं होते, ये समझने के लिए आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, असील मुर्गों में एक बात होती है कि एक तो उसकी विरासती तौर पर जेनेटिकली वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, उसके क्रोमोसोम्स डीएनए पे जीन्स होते हैं, और उसकी वजह से। दूसरी, उसकी तरबियत की वजह से, मींस कि अगर मालिक भी उसको पालता है, कोई भी आदमी उसको पालता है, तो उसकी अगर आप पालने का अंदाज़ देख लें, चूँकि उनको पता है कि मैंने आने वाले वक्त में इसको जंग के लिए रेडी करना है, तो बाद में जाकर उनकी तरबियत ऐसी करते हैं कि वो मुहम्मल तौर पे ब्रेव हो जाता है। उसको कई कई घंटों तक बंद किया जाता है, फिर एक स्पेसिफाइड एरिया यानी ख़ास वक़्त तक इसको खोला जाता है। और ये तो बातें हैं कि आप जब किसी चीज़ को बंद रखते हैं तो उतना वो शार्प होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इसी वजह से फिर उसमें ये काम आता है कि वो बहादुर होते हैं। असील मुर्गों के भाव इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें और इसमें फ़र्क यही है कि वो जंग जीतते हैं और आफ्टर फाइट वो अपनी दामों को, अपनी कीमतों को ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो इसी वजह से। हालांकि अगर आप इसकी लुक को देखें तो इसका लुक काफ़ी प्यारी है, काफ़ी ज़बरदस्त लुक है इसकी, और जिस तरह असील मुर्गों के होते हैं। बट फ़र्क ये है, ख़ुराक बिल्कुल दोनों का सेम है। आप फूड, वो जो बाजरा दाने वगैरह वगैरह में आप काजू बादाम खिलाते हैं उनको गर्मी सर्दियों में, तो इसको भी खिला सकते हैं, लेकिन बेचारों को तो कोई खिलाते ही नहीं है। तो मेन वजह ये है कि उनकी तरबियत का मसला होता है। नेक्स्ट बात ये है एज की, तो एज आलमोस्ट सेम होती है, 5 ईयर से अबव, 8, 7 साल, 9 साल, कभी कभी 10 साल तक भी, और एक्सेप्शनल केसेस में इससे भी बढ़ता है। तो एवरेज साल उम्र की भी मतलब एवरेज है, वो भी उसमें उतना फ़र्क नहीं है, आप अगर देख लें। सो ये खूबसूरती इरफान खान बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल की है, जो आप लोगों के साथ ये ज़बरदस्त ब्रीड शेयर करता है। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में आप लोगों के लिए एक और ब्रीड लेकर आएगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप लोगों को मिल जाए। हाँ, प्राइस आप लोग बता दीजिएगा कि प्राइस में ये कितने होंगे, वो आप लोग बताएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।